देखिए, हाल ही में मैं आपको बताऊं कि भाई अभी तक कांग्रेस सरकार ने हज कमेटी का गठन नहीं किया है। हाजियों की जाने की तारीख तय हो गई है, 20 तारीख लास्ट डेट है। और जैसे आपको मालूम है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हर साल हज पे जाते हैं। ना तो हज का गठन हुआ, ना हज के मेंबर बने। वैसे तो कांग्रेस कहती है कि हम बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं और बड़ा उनके लिए सोच विचार करते हैं, लेकिन आपको यहीं से ही परिणाम पता लग जाएगा कि हज पे जाने के लिए हज का गठन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए डॉक्टर अपॉइंट होते हैं, उसके लिए वहाँ इंजेक्शन लगते हैं, फॉर्म फिलअप होते हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है, और दूर दराज से लोग आते हैं। और अब तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस ऐप के ज़रिए ही आपको उस पर OTP आएगा। लेकिन जब तक हज का गठन नहीं होगा, वहाँ के व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति को मेंबर्स डायरेक्टर नहीं बनाए जाएंगे, उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी। अब किसी व्यक्ति ने चंबा से आना है, वो चंबा से पहले शिमला आएगा, फिर यहाँ से वो होम ब्रांच ढूंढेगा, होम ब्रांच में सेक्रेटरी जाने की उसको परमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हज का गठन हुआ होता इस वक्त, तो उसको सुविधा जाने के लिए उसको सुविधा होती, वो फ़ोन पर भी बात कर सकता। लेकिन वो जगह जगह घूम रहा है। मेरे पास अब आज मुझे ही फ़ोन लोग करते हैं यहाँ से कि बिलाल भाई हज पे जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं क्या, क्योंकि मैं हज का पूरा पूर्व में मैं मेंबर रह चुका हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भी आप ही मेंबर हैं तो आप ही को जरिए। तो हमें उनको अपने तरफ से हम पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं। ये निकम्मी सरकार कांग्रेस ने ना तो हज का गठन किया, ना वक्फ बोर्ड का गठन किया। वक्फ का बोर्ड का गठन होना कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे मुसलमान जितने मौलवीज़ हैं और जितनी भी लोअर एंड के केसेज है, वक्फ बोर्ड के केसेज है, वो सारे वक्फ बोर्ड में ही लगे होते हैं। वक्फ बोर्ड में मौलवियों को तनख्वाह देनी है, मस्जिदों का मेंटेनेंस करनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ बोलती कुछ है और करती कुछ है। तो हम तो इसकी बरसर निंदा करते हैं, और हम यहाँ से मांग करते हैं कि 20 तारीख लास्ट डेट है। मुझे नहीं लगता है 20 तारीख तक वो वक्फों का गठन कर पाएंगे, लेकिन अपने वादों में, चुनावों रैलियों में वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। जल्द ही अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा गठन होने जाएगा। सारे ज़िलों में हम आने वाले 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता है कि 3 राज्यों में हमने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। इसी तरह से हमारे पूर्व में रहे हमारे जितने मुख्यमंत्री रहे, अपार काम मुसलमानों के यहाँ पे हुए हैं, उन्हीं को लेकर हम लगातार अब लोगों के बीच में जाएंगे। और आने वाले चुनाव में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ लोग की जब बात करते हैं तो उसमें पूरी लोगों की बात करते हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं करते, ना कभी कभी की है उन्होंने। तो हम इसी मुद्दे को लेकर और अपार जो चीज़ें मुसलमानों के लिए किया जाए, 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाल के वक्फ के नाम किया हो, लाडली का 51,000 रुपये की देने की बात हो, ऐसी अपार चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच में ले जाएंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम पूरा का पूरा जो बहुमत है से हम भाजपा को वोट दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।